नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। नवरात्र पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इंडिया फर्स्ट आज आपको ले चल रहा है मध्य प्रदेश के सुदूर उमरिया जिले के मां विरासिनी देवी मंदिर। महिषासुर मर्दिनी रूप में विराजी मां का यह मंदिर बेहद चमत्कारिक है। मां के साथ यहां भगवान हरिहर की भी अनूठी प्रतिमा विराजित है। आइए नवरात्र के पावन अवसर पर दर्शन करते हैं मां विरासिनी देवी मंदिर के। मैया बैठी है आसन डाल विरासिनी पाली में, मैया बैठी है आसन डाल विरासिनी पाली में, पाली में। विरासन में होने कने विरासिनी नाम से विख्यात है। उसे असल में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी है जो उसमें जो भैंसा कटा हुआ है, जैसे माता रानी भैंसा को काटी है, उससे तीन राक्षस उत्पन्न हुए, जो कि एक को पकड़ी हुई, एक पैर के नीचे दबा हुआ है और एक वो निकल रहा है वहाँ से। ये महिषासुर मर्दिनी है, इसके 10 भुजा है माता रानी के और ये कम से कम तो 8-9 फुट की मूर्ति पूरी है। इतनी बड़ी मूर्ति पूरे भारत में कहीं आपको दिखने को नहीं मिलेगी। और इसकी विशेषता यहाँ पे धौकल पंडित है, जिसको माता रानी सपना दी, उसने ला के यहाँ पे स्थापित विराजमान किया। और कल्चरी निकालें कि उसके माता रानी के बगल से जो हरिहर भगवान की प्रतिमा है, हरिहर भगवान में उसके भी एक विशेषता है कि उसमें हरिहर भगवान में आधा शंकर आधा विष्णु, उनके साइड में उनके जटे के पास चंद्रमा है, नांग है, नंदी बैठी हुई, गणेश आदि इस तरह भगवान के शंख चक्र पद्म सब है। यानी दोनों हरि और हर, यानी हरिहर का मतलब हरि और हर माने विष्णु, हर माने शंकर, ये दोनों का प्रतीक है। विरासिनी माता का क्या है मैं आपसे बता दूं, यहाँ पे बहुत दूर यहाँ तक कि विदेश तक के लोग यहाँ पे आते हैं। विदेश से लोगों का यहाँ पे ज्योति कलश है, आजीवन ज्योति कलश जल रहे हैं।